चला 300 रुपए का एक बता रहे हैं। ठीक है, कैसे आप सब लोग, और स्वागत है सबका एक और नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मिक्की के साथ। थोड़े दिन में एक सरप्राइज आने वाला है, तो सरप्राइज के लिए तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है। वही मेहनत अभी चल रही है। जो पोस्टर हमने देखे थे ना, वो पोस्टर महंगे थे। वो 300 रुपए का एक पोस्टर था, और जो उसके सामने दुकान थी ना, उसमें ना 120 रुपए का तो फ्रेम है और 40 रुपए का पोस्टर है। क्या बात कर रहे हैं, दांत ना पाट है। महंगी चीज पे हाथ धरे इस गली में ले। यूं नहीं के सस्ता सस्ता काम करवा लू यार, इस गली में चलना है भाई। हाँ, मोर भी हो सके। ठीक है चलो, मैं समझ गया। लो इसको तो बहुत सारे काम है आज। रोहतक के अंदर इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया, जगह जगह पर ये पोल्यूशन के ये लगाने पड़े। जैसे ये अपना एयर प्यूरीफाई कर रहे हैं, ऐसे ही निकलने प्यूरीफाई कर दिया। सुबह सुबह मेरे को पनीर के पराठे खिलाकर, और अभी निकले मेरे को जूस पिलाएगा। और ये बहन तो मेरे को घुमाए जा रहा है, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। पहले वहां से कैंसिल करवा दिया कि नहीं ये महंगा ही सस्ता है, अब देखो कहाँ लेके जाएगा। फ्लेक्स का काम हो गया डन, अभी चलते हैं जूस पीने के लिए। फ्लेक्स का काम डन करवा दिया निक्की। यो ले लेने एड्डी मसल लिए। चल चेस कर, जूठा कर चेस कर। इतनी देर में मैंने बोला चेस कर, इतनी देर में पी गया। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। निक्की के लोग, निक्की को लंच कराने के लिए हम आ गए इन भाई के पास। यहाँ पे छोले कुलचे खिलाएंगे इनको, हम नहीं खाएंगे यार, क्योंकि अल्कोहल से बंदे हैं, हम ये सब चीजें नहीं खाते। भैया एक्स्ट्रा बटर कर देना। आई एम सॉरी बाबू। रायता है क्या ये? रायते के नाम पे पानी बेच रहे हो? अगर से यहाँ से रायता नहीं पियेंगे। लपेट के दो प्लेट छोले कुलचे और घर की तरफ चलते हैं। अब भैया भी ना, हम एक शॉप पे गए थे, तो वहाँ पे ना उसने वो स्वीट्स का डब्बा रखा हुआ था। जाते ही ना मैंने कहा पहले तो आप मिठाई खिलाओ, बाद में हाल चाल पूछते हैं। जैसे ही मैंने डब्बा खोला ना, मेरे से पहले उठा के खा गया, दो पीस उठा के खा गया। और मेरा फिर कह रहा है आते हुए, एक मैंने खा लिया, टेस्ट भी थी भाई। आते हुए ना यूँ कह रहा, यार एक और खाना था। बढ़िया थी, मजा आया। काजू कतली थी, काजू कतली थी। हाँ पहले नू लागे था लाडू है, फिर नू बैठे टेस्ट बैठ गया। फिर बाद में रिग्रेट होया कि एक दो तो और खानी थी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉगर। आज की सुबह की शुरुआत करते हैं हम बढ़िया ये मॉर्निंग व्यू से। भाई सुबह सुबह ना जिम जाने का मज़ा ही अलग है। जिन लोगों को लगता है कि मैं सुबह बहुत लेट उठता हूँ, पहले मैं उठता था 8-9 बजे उठता था पहले मैं, फिर मैं 12 बजे फ्री होता था जिम से, और फिर उसके बाद पूरा दिन वेस्ट चला जाता था। तो मेरे को बड़ा रिग्रेट होता था कि यार पूरा दिन खराब चला गया, मैंने कुछ नहीं किया, पूरा दिन कुछ प्रोडक्टिव हुआ ही नहीं है। तो इसलिए अब लास्ट एक महीने से मैं बहुत जल्दी उठ रहा हूँ, लाइक मॉर्निंग में 5 o'clock, 6 o'clock, और मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप सब लोगों को भी सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह सुबह मज़ा आ जाता है। इससे ठंडी ठंडी हवा लगती है, और अभी सर्दियाँ भी आ रही हैं। हाँ थोड़ी सी ठंड लगती है, लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि फ्रेश एयर होती है ना इसलिए। और ये देखो व्यू, देखो सुबह सुबह ना ऐसे सनराइज़ होता हुआ दिखता है थोड़ा थोड़ा, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और लोग बहुत कम होते हैं, रश बहुत कम होता है, तो इट्स फील वेरी पॉजिटिव। तो चलो चलते हैं जिम में सुबह सुबह, वही देखते हैं कि सुबह हम जिम में क्या करते हैं। लाइक मेरा तो मन कर रहा है कि सुबह सुबह योगा करें, तो देखते हैं क्या होता है जिम में। और ये देखो मॉर्निंग व्यू। और आज तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब पहले जैसे मैं 5:30, 6 o'clock आ जाता तो अंधेरा होता था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा लेट उठा, वो भी इसलिए क्योंकि मैं रात को एडिट कर रहा था, थोड़ा लेट हो गया था, अदरवाइज मैं बहुत जल्दी उठ जाता था। चलो देखते हैं सुबह सुबह, शायद सूरज सर होंगे, अभिषेक सर तो नहीं होंगे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जिन लोगों से मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, वो लोग भी सुबह सुबह आए हुए हैं। और ये देखो बाल वाल कटवा के, क्या बात है सर, सुबह सुबह बाल कटवा लिए आपने? सर सुबह रात को आप औरों का काटते, सुबह आप कटवाते हो, क्या बात है सर। और ये देखो भाई साहब, मोंटी भाई, मोंटी भाई क्या कोई बोल सकते हैं क्या? और इनसे मिलो, ये हमारे जिम के जिगरी भाई, जिनका नाम है ओम पाल, जिनको क्या बोला तूने? ऐसे करेगा तो सारी लड़कियां तेरी फैन हो जाएंगी। करनी नहीं ना, ये तो दिक्कत है।
सर गुड मॉर्निंग। पहले मुझे लगा था कि सिर्फ आप होंगे जिम में, अभिषेक सर नहीं होंगे क्योंकि इतनी सुबह सुबह आते नहीं है ना वो। आप लेट हो सर। मैं लेट हूँ सर। अरे यार मेरे को पता था, आगे सब टाइम से आएंगे। निकी भाई पहले क्लिप बनाई थी उसमें तो मैं लग रहा था, इसलिए दोबारा से शूट कर रहा हूँ। स्वागत आप सबका शाम में भाई। पूरे दिन से घर पे सोने के बाद और काम करने के बाद पढ़ने के बाद हम आ गए हैं शाम को मार्केट में। अच्छा, क्योंकि मेरे को करवाना है थोड़ा सा काम और निखिल करवा रहा है पियर्सिंग। क्या बोला तूने? पियर्सिंग, निखिल नाक में पियर्सिंग करवाएगा, कान में करवाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नाक में नहीं यार, हंस रहा है कि कह रहा है कि यहाँ पे करवा के लाइयो यार। उसको नाम नहीं पता मेरे को कि जो यहाँ पे करा था उसको बोलते क्या है, तो पियर्सिंग भी बोलते होंगे लेकिन उसका नाम कुछ और है, मेरे को याद नहीं आ रहा। कोई सेंस है इस बात? वो करवाएंगे निखिल को और मेरे को करवानी है काम में एक और। वो चलते हैं और जिस बंदे के पास हम जा रहे हैं वो बंदा सुबह ब्लॉग में भी आया था, वो बंदा देखना भी ट्रांसफॉर्मेशन देखना सुबह कितने बकवास कर रहा था और अभी कितना प्रोफेशनल बात करेगा। तो आगे पुलिस वाले खड़े हैं, देखते हैं ये हमारा चलान कटाएगा अभी यही भरेगा पहले बता रहा हूँ। देखा भाई बच गए ना, कह रहा था ना नहीं काटेगा। और एक ये देखो भाई, ओ भाई नई स्कूटी है ये तो भाई बिल्कुल केयरलेस है बंदा, इसके हाथ में तो गलत दे दिया मैंने, इसके मुंह में देना चाहिए था भाई, मेरे पैर वैर भी बचा ले यार। निक्की पूछू किससे, यहाँ पे तो बहुत सारी दुकान है। तिरुपति बेंगल्स नहीं ले रहे, अंकल से पूछता हूँ भाई, अंकल से पूछा मेरे को तो नाम भी नहीं पता था मेरे को, जिसने नंबर भेजा था उस पर ओम पाल लिखा हुआ था, अंकल कह रहे ओम कार है। किधर है अंकल? उसकी दुकान है ओम कार वाला, विश्वास काली अगली स्कूटी लिया आधा अधूरा कहने से पीछे छोड़ देता है यार। यहाँ पे दुकानें बहुत सारी है ना, तो कंफ्यूजन तो अपने आप ही हो सकती है। और जिस बंदे ने मेरे को नंबर भेजा था उसने नाम भी ऐसे ही लिखा हुआ था। निखिल तो मना कर रहा है, कह रहा है कि मैं नहीं करवाऊंगा। करवा लेना, करवा लिया अपने करवा ले, करवाऊंगा यार पहले ना यहाँ पे भी तो करवा रहा था सुन। अरे तो छप रही है, चलो प्लान चेंज हो जाएगा। इसने मना कर दिया कि ये नहीं करवा रहा है, उसमें मैं करवाऊंगा। इसके ऊपर ही करवाया जाए यहाँ पे दूसरा, या क्या इस भाई की कॉपी करूँगा। अंकल बैठे हैं ना इसलिए बाल से बकवास नहीं कर रहे, देख लेंगे भाई बंदा जो सुबह ज़्यादा बोल रहा था जिम में। हियर इज द प्लान, हियर इज अनदर प्लान, ये करवाते हैं कान में। मैं कह रहा हूँ इतनी मोटी से करेगा देखते हैं, सुबह तो ज़्यादा बोल रहा था अब क्यों नहीं बोल रहा। मेरी बहन का उसी से करवाया था भाई, एक डेढ़ महीने तक कान पक गया उसका। ये जहाँ पे भी अच्छा लग रहा है यार, कर दो लगा सही लगेगा यहाँ यहाँ पे ना, यही आएगा मेरे साथ। ठीक है डन है, एक आएगा यही, एक तो तेरे यहाँ हो भी रहा है। हाँ हाँ एक ये हो गया, एक ये हो गया ठीक है। अगर यहाँ करवाऊँ तो यहाँ नहीं, यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, यही करवा मैं भी। ठीक है यही डन, नहीं करवाया ना फिर देखियो तू। Oh my god, he because he burnt, oh my god. होया कि तेरी तो इतना बल्ले कान भी नहीं माँ चल सही में हो रहा दो गोली लाएगी दर्द तो कर दिया दो बार ये बहुत दर्द अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। अरे यार हल्का सा पता लगता है भाई, पता थोड़ा लगता है यार। इसने एक काम नहीं करके दिया, वो ही कह रहा है कि सुबह करके दूंगा और ये सुबह सुबह कर दूंगा। चलो ठीक है यार, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। अगर किसी को भी भाई कोई भी काम हो ज्वेलरी से रिलेटेड, अगर किसी को कुछ भी काम हो क्या दूं? ठीक है दोस्त।
इतनी देर से पता नहीं क्या मांग रहा था। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, सुबह मिलते हैं जिम में भाई। देखो कितना चेंज हो गया ना, अपने पापा के सामने सब की फटती है भाई, चुप हो गए पापा के सामने, सबका टाइट हो जाता है। चलो बाय। ओके यार, मैंने माच के करवा तो लिया है, इसमें दर्द भी हो। अगर कोई रोहतक से है तो इस मार्केट का नाम बताओ। ये पूरी बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे सबसे बड़ी मार्केट है एशिया की। सो आई प्राउड कि मैं ऐसी जगह पे पैदा हुआ, मेरे को बहुत प्राउड है कि मैं रोहतक में पैदा हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें। मेरा की योगदान है इसमें। किसमें? इसमें मार्केट में। योगदान तो तेरा भी ना है, अगर मैं बोल भी बोली रहे इतना, लेकिन मैंने ये बोला है कि मेरे को प्राउड है कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ। अरे तो फिर योगदान की इतना, अरे चूतिया योगदान और प्राउड में दिन रात का फर्क है। प्राउड ना फील कर रहा है ना तू? क्यों नहीं करूँ? प्राउड क्यों फील कर रहा है तू? मार्केट क्यों वो कर रहा है? मार्केट की नहीं, रोहतक की कह रहा हूँ मैं। रोहतक की कह ले, विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। ये पागल वागल है क्या भाई? चलो कोई नहीं, इसका दिमाग है ना सेंटर में नहीं। कान के चक्कर में ना मैं लेट भी हो गया, जिम में जाना था, और वैष्णवी का भी फोन आ गया था, कह रही कि भाई तेरे को आना है नहीं आना है जिम में। मैंने अब रोज 5:30 तक आता हूँ, 5:15 हो गए हैं। पेसिंग करा के हम पहुंच गए हैं जिम में, जल्दी से चेंज करते हैं और लगते हैं अपने काम पर, बाकी की सारी बातें करेंगे बाद में। और ये कैसा लग रहा है जल्दी से बता दो मेरे को, लग तो अच्छा ही रहा है मेरे को भी लग रहा है। और इनकी वजह से ना इसमें पेन है, तो उसकी वजह से हेडफोन भी नहीं डाला जा रहा था, इसलिए आज मैं ईयरबड्स लेके आया हूँ स्पेशल। राम भैया, क्या हाल है राम भैया? ठीक हो आप? लड़कियों की इज्जत पे आकर बहुत अच्छी होती है लड़कियां, ठीक है, रिस्पेक्ट भाई, लड़कियों को पूरी इज्जत दिया करो क्या। तो चलो भैया, हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। और वैसे आज मेरा मन नहीं था कि मैं आराम को ट्रेन करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली करनी पड़ी। अब जैसे चेंज करके चलते हैं घर पर। तो भाई जिम विम करके ना मैं थोड़ा बोर हो गया, तो मुझे लगा कि थोड़ा फन ऐड करना चाहिए, तो मैं आ गया इनके पास। हाय, कैसे? हेलो सर, क्या बहुत दिन बाद मिला, कहाँ रहते हैं यार? बस मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, देखा भाई मैं बहुत बिजी हूँ आजकल, इसलिए मैं हेलो सर हेलो करो जल्दी से। अरे मेरा भाई, अरे वो तुमने मैनेजमेंट चेंज कर दी फ्रिज यहाँ से यहाँ। वाह, सेल्फी कॉर्नर, चलो सेल्फी तो ले ले। चलो अच्छा ही लग रहा हूँ। अपनी तारीफ हम खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बात तो सही है। अगर हम खुद को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सही कह रहा हूँ ना सर? यस यस, करो और दो चार तारीफ करो प्लीज। और वो कहाँ है वो स्मॉल किड? बाहर खड़ा है। बच्चा बाहर खड़ा है क्या? अरे वो बच्चे, ये देखो भाई जल्दी से जल्दी, ऐसे ही भाई होने चाहिए, कहते ही कैश ये दे दे भाई जल्दी से। भी कर दो, दो साइन। वो बात अलग है कि खाते में पैसे नहीं है। लोअर अपर बैग में जितने भी रुपये हैं, अगर है ना इसका बिल दिखा दूंगा इस बेचारा का, अगर सारे टोटल भी पा जाना। मोटी जान मोटा पैसा, दिखा दो कोई मारे जैसा, भीड़ में दिखे अलग चमक ऐसी, चोरी चिल्लावे पैसा। मोटी जान किला रोड। और मेरे को कह रहा है जा रहा, मैं 5,000 से ऊपर कुछ कपड़ा है कोई? 5,000 से ऊपर कपड़ा है? सुन तो ले, ये कह रहा है भाई मेरे को कि जा रहा, इसकी ये जो शर्ट है ये मेरे पूरे जितने भी मेरी आउटफिट है उससे महंगी है। कच्चा भी जा रहा है, पहन रहा हूं। You are very small kid in front of me, bro. छोटा भाई है तू, कोई नहीं, अच्छी बात है तूने पहन ली, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहता हूँ कि तू 50,000 की 50 लाख की शर्ट पहने। ये किला रोड की है यार, नारी चमकनी बाजी वाले पैर आ रही है वो सूट पहन रहा यार। सर देखिए,
शर्ट खुली किले रोड की देखो भाइयों मत पैरा कर मेरी बेइज्जती करवा रखी तुमने सारी जगह। ठीक है जी पंचाल मिलते हैं क्या बोलेगा भाई कुछ एक सेकंड क्या बोलेगा भाई कुछ कुछ ये तू इतनी से फटती क्यों है तेरी मेरी ना फटती तू पागल हो रहा है फिर तूने एक बात होता तेरी फटनी अरे ये जैकेट किसी पहन रहा है तू यार ये मन ने पसंद नहीं है काड़ी ने कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर क्यों काड़ भाई मन पसंद नहीं आया ना काड़ दे ले काड़ मेरी बड़ी आली है यार मेरी बड़ी आली दिखा यो के यार क्या है दिखा पागल है टेस्ट दिखा एक बार नाम ना ले देख दिखा दिखा जल्दी दोबरा अरे चोर आए पड़ा रे देख सु से सो रे बे चेस्ट तो दिखानी पड़ेगी भाई ना 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 रोड पे देख ओले हेलो दो बिजनेसमैन ए अंधकार ओ गंगा दिखा रे जिम कर रहा है ओए बे हां अरे देख अब अरे तू केले रहा है नीचे के दे मुंह में भाई मैं भगवान से विनती करता हूँ कि सबको जैसे मेरे को इतने अच्छे दोस्त मिले इतने अच्छे भाई मिले सबको ऐसे ही भाई मिले सबको ऐसे ही दोस्त मिले सुस और तू सेक्सी लग रहे हो ओह माय गॉड ये बिकॉज़ ऑफ ओह माय गॉड सुस के कान पे किस कर दूँ फील फील होनी चाहिए दिखा कान में नहीं देखा जैसे एक मिनट रुक जैसे गर्लफ्रेंड दुकान के बाहर बच्चों कर रहे तुम पागल देख जैसे वो गर्लफ्रेंड को नहीं करते उसमें गानों में देखी करके बाबू इशू मत बनाओ ना प्लीज अरे रुक तो जा भाई देखो मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है तू उसके साथ फील ले लेता चल ठीक है जे पंचल बिल मिलते हैं ओके बाय चलो भाई करते हैं इस व्लॉग को यहीं खत्म और मिलते हैं अगले व्लॉग में तब तक के लिए बाय डू सब्सक्राइब